हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अंडे की दम बिरयानी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और बहुत ही टेस्टी। एक रेसिपी मैंने ऑलरेडी अंडा बिरयानी की अपलोड की थी कुछ दिन पहले, ये रेसिपी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है और खाने में मज़ेदार। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर खुला पानी उबलने के लिए रख दिया है। एक टीस्पून ज़ीरा, 2 से 3 तेज़पत्ता और 10 से 12 काली मिर्च ऐड की है। नमक ऐड कर लें पानी के हिसाब से, ये 2.5 लीटर पानी है। और 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड कर लिया है। कुछ कतरा नींबू का रस ऐड कर लेंगे तो इससे चावल बहुत खिले खिले और छुट्टे बन के तैयार होते हैं। पानी में ऑलरेडी उबाला आ गया था तो मैं इसमें चावल ऐड करी हूँ। मैंने 1/2 किलो बासमती चावल लिया है, एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके 1/2 घंटा भिगो दिया था। बस जैसे ही पानी में उबाला आने लगे तो उसके बाद आपने मीडियम करके फ्लेम 5 से 7 मिनट कुक कर लेना है। तो यहाँ देखिए 5 से 7 मिनट बाद कुछ इस तरह से ये हो जाएगा और चावल अच्छी तरह से लंबे हो गए हैं। अगर आप खाकर चेक करें तो इसके अंदर कनी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हम बिल्कुल ड्रेन करके साइड में रख देंगे। अब मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप गाढ़ा दही लिया है और इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 10 से 12 हरी मिर्च ऐड करेंगे क्रश करके या पेस्ट बना के, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर लें। 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक ऐड कर लें मसाले के हिसाब से। अब यहाँ पर मैं कुछ कतरा नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। अगर दही बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आप इसको स्किप कर दें, इससे थोड़ी सी चटपटी बनके तैयार होती है बिरयानी। खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना ऐड कर लिया है। केवरा एसेंस मैंने ऐड किया था, मुझे इसका खुशबू पर्सनली बहुत पसंद है। इससे बहुत रेस्टोरेंट स्टाइल परफेक्ट एक फ्लेवर आता है, बट अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा फूड कलर जो ऑप्शनल है। 1 मीडियम साइज़ का अच्छा लाल टमाटर चॉप करके ऐड कर लें और 1 टेबलस्पून देसी घी ताकि फ्लेवर थोड़ा एनहांस होकर आए। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर ले। ये मसाला बनकर तैयार है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड करी हूँ। तो लौंग, दालचीनी, हरी इलायची और मैंने बादियान लिया था। अगर आपके पास इसमें से कोई मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 4 मीडियम साइज़ का प्याज, 1/2 किलो की बिरयानी बना रही हूँ मैं। अगर आपको मसाला कम लगता है तो आप प्याज की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। प्याज इसमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर मसाला जो हमने बनाया था वो ऐड कर लें। मसाला ऐड करके मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं ताकि सारे मसाले प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर यहाँ देखिए ऊपर ऑयल सेपरेट होता हुआ दिखाई देने लगा है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने इसको प्रेशर कुक करना है ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। तो लिड कवर करके मैंने सिर्फ 2 विसल लगाया था और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर लें। जैसे ही ठंडा हो जाता है कुकर, फिर आपने कुकर को खोल लेना है। यहाँ देखिए मसाला फॉर्म हो गया है, प्याज टमाटर बिल्कुल गल गया है इसके अंदर। तो अब हम इसमें अंडा और आलू ऐड करेंगे। आलू इसमें ऑप्शनल है, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप कर दें, और या आप इसको फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसी तरह ऐड कर लिया है अंडा और आलू। मिक्स कर लें इसे। जैसे ये बॉईल होने लगे तो देखिए ऑयल ऊपर ऑलरेडी दिखाई देने लगा है। अब हम ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर चावलों को दम करना है। अगर इसमें पानी कम रह जाता है तो नीचे चावल लग सकते हैं। बस ये बॉईल हो रहा है तो इसके ऊपर उबाला हुआ चावल आपने ऐड कर लेना है। इसको स्प्रेड कर लें अच्छे से। फूड कलर ऐड करना ऑप्शनल है, मैंने ऐड किया था। खूब सारा हरा धनिया और पुदीना ऐड कर लें। आप चाहें तो बिरिस्ता प्याज का बनाकर वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून देसी घी ताकि चावल में फ्लेवर अच्छा आए घी का, और थोड़ा सा दूध ऐड किया है। आप चाहें तो केसर मिश्रित दूध ऐड कर लें, इससे मॉइस्ट रहते हैं चावल, या पानी का छींटा दे सकते हैं। कवर कर लें और 1 विसल आने तक रुकें, उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर लें। अगर आपको ऐसा लग रहा है 1 विसल के बाद जल जाएगी बिरयानी तो थोड़ा जल्दी आप बंद कर सकते हैं। तो बस यहाँ देखिए प्रेशर कुकर ठंडा हो गया था तो मैंने इसको खोलकर चेक कर लिया है। बहुत अच्छे से दम गई थी बिरयानी और नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगी है। बहुत ही खुशबूदार, फ्लेवरफुल और बहुत टेस्टी। आप इसको दही रायते के साथ, कचुंबर के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है।
तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो हमेशा की तरह रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।